Welcome to Pro Tips. Please like, share and subscribe. भागेंगे बट अंडर परफॉर्मेंस भी नहीं है ने आईटी सेक्टर आल्सो एक्ट्स एज एन हेज टू इन्फ्लेशन. तो जिनके पास है बिल्कुल बने रहना चाहिए, बने रहे. लेकिन सुबह अच्छा ये एक इंटरेस्टिंग बात अभी ऐसी जब मरेश बोल रहे थे स्टूडियो में डिस्कशन हो रहा था कि आईटी और टेलीकॉम एनालिस्ट का ही लिंक स्नैप हो गया तो हमारा आपका क्या होगा? कैसे लगे रिजल्ट भाई ब्रोकरेजेस को? देखिए ब्रोकरेज हाउसेस का एक कंसेंसस टारगेट तो 3900 के ऊपर आ रहा है, लेकिन एक सीएलएसए ने बहुत ही बढ़िया रिपोर्ट दी, उस पर लास्ट में हम आएंगे. शुरुआत में जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, जेफरीज, नमूरा, सबके टारगेट्स मोरलेस 3900, 3930, 3925 इसी रेंज में आपको दिखाई पड़ेंगे. स्टांस अलग अलग है, कोई न्यूट्रल रेटिंग के साथ मेंटेन कर रहा है, कोई इक्वल वेट रेटिंग है, किसी की होल्ड रेटिंग है, किसी की न्यूट्रल कॉल है. तो बहुत ज्यादा किसी ने बड़ा फायरवर्क नहीं उम्मीद किया, लेकिन हाँ एक स्टांस मेंटेन किया है न्यूट्रल साइड पे, फ्लैटिश साइड पे. बस एक सीएलएसए को आप आउट परफॉर्म रेटिंग में रखेंगे और करीब करीब 4000 रुपए के टारगेट्स को यहां पर देख रहे हैं. उनको लगता है कि ये जो हायरिंग की है इसका इंपैक्ट और डील विन जो है इसका इंपैक्ट गोइंग फॉरवर्ड विजिबिलिटी को और थोड़ा बेटर साइड पर दिखा देता है. हेल्दी 3.2% क्यू ऑन क्यू कॉन्स्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ, 2.5% के आसपास मार्केट में अनुमान था, 3% अपर एंड पे था, 3.2% के आसपास आया. तो ये थोड़ा सा बेटर साइड पे आप मानकर चल सकते हैं. ऑर्डर बुक पिछले 4 क्वार्टर के रन रेट से 40% ऊपर है, तो ये एक और अच्छी चीज उन्होंने ऑब्जर्व की है कि लगातार जो डील विन की सिचुएशन है वहां पर एक बड़ा बढ़िया पिकअप आता हुआ दिखाई पड़ रहा है. हालांकि FY 23-24 का फोरकास्ट उन्होंने 0.5% के आसपास घटाया जरूर है, लेकिन उनको लगता है कि जो नियर टर्म रेवेन्यू विजिबिलिटी है जो कि ऑर्डर से दिखाई पड़ रही है उससे वो काफी कंफर्टेबल है, इसीलिए उन्होंने करीब करीब 4000 टारगेट दिए. बाकी मेजरली सबका जो टारगेट है कंसेंसस वो 3925 के आसपास के देखने को मिल रहा है. ठीक बात, तो ये हो गई 3900. ये तो जब बायबैक आया था तो बहुत उम्मीदें जाग गई थी कि वो बायबैक प्राइस के ऊपर जाएगा, तो ऐसा तो नहीं हो रहा है. अच्छा, इस टीसीएस के नंबर्स पे कुछ ही देर बाद इस कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर समीर सेक्सरिया साहब भी होंगे, जिनसे रिजल्ट्स पे चर्चा होनी है 11 बजे. जुड़ना मत भूलिएगा. मानस, क्विकली टीसीएस रीसेंट प्रेशर से थोड़ा सा वीजा वी पीयर्स से आउट परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा था, चलेगा क्या आज? देखिए दो स्तर हैं जो हमें ध्यान रखने हैं. पहला तो अगर आप ऊपर की साइड पे देखिए तो 3720, अगर 3720-25 के ऊपर सस्टेन करें तभी आपको बाउंड बैक के लिए प्ले करना है. उस केस में 3840 तक के स्तर देखने को मिलेंगे. आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप स्टॉप लॉस रखिए 3645 का. 3645 के नीचे फिसले तो आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से भी एग्जिट होना है और वहां पर शॉर्ट कॉल लेना है, क्योंकि उसके बाद स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज को टच करने की कोशिश करेगा जो कि 3540 है.